गुड मॉर्निंग बच्चों, वी हैव टू सी नाउ क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 7.2। सी द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया गया है वो देखिए आप, यहाँ पे बोला गया है इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। इस ट्रायंगल में एडी जो, ये आपका जो लाइन सेगमेंट है एडी, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन द सेंस होता क्या है, सबसे पहले मतलब ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री पे बीसी को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, एंड बाइसेक्टर मींस इसको बाइसेक्ट भी कर देता है। बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बीसी पे परपेंडिकुलर भी है और बीसी को बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। इसका मतलब बीडी इज इक्वल टू डीसी, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट बीडी इज इक्वल टू डीसी, ठीक है। ये हमारे पास अवेलेबल है इंफॉर्मेशन कि बीडी इज इक्वल टू डीसी। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी क्या है, एक आइसोसेलस ट्रायंगल है। तो देखिए हम कैसे प्रूव करते हैं, और ये आइसोसेलस ट्रायंगल कैसे है, इन विच एबी इज इक्वल टू एसी। मींस वी हैव टू प्रूव एबी इज इक्वल टू एसी, एबी और एसी इक्वल है, दिस वी हैव टू प्रूव, ओके। नाउ द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। तो गिवन दैट क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वी हैव बीडी इज इक्वल टू डीसी, ये हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। एंड एंगल वन और एंगल टू, ये चूंकि 90 डिग्री है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है पॉइंट डी पे, इसका मतलब वन और टू दोनों ही 90 डिग्री के होंगे। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल्स में है क्या क्या चीज, व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव। तो देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी में देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं व्हाट भी है। तो हमारे पास क्या क्या है, बी डी इज इक्वल टू डी सी भी है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू भी है, एंड वी है ऑल्सो दैट ए डी जो है, ए डी आपका जो साइड है, ये दोनों ही ट्रायंगल का पार्ट है। इट मींस ए डी इज इक्वल टू ए डी। तो सी वी हैव दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज कॉमन एंड इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है, एंगल वन और एंगल टू दीज आर ऑल्सो इक्वल, टू एंगल वन और एंगल टू भी इक्वल है। तो हमें कौन सी क्राइटेरिया यहाँ पे मिल रही है, देखिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया मिल रही है, देन वी विल राइट हियर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी डी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल कांग्रुएंट है। तो कांग्रुएंट है इसका मतलब बाय सीपीसीटी, व्हाट वी हैव बाय सीपीसीटी, व्हाट वी विल हैव, क्या हमें मिलेगा सीपीसीटी से, ए बी और ए सी इक्वल हो जाएंगे, बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स विल बी इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए, तो इसके ऑल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। इट मींस ए बी इज इक्वल टू ए सी, और जब ए बी और ए सी इक्वल हो गया, ये ए बी और ए सी इक्वल हो गया, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी किस तरह का ट्रायंगल है, इसके दो साइड्स इक्वल है, इसका मतलब ये आइसोसेलस ट्रायंगल है। मींस वी विल राइट हियर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है, क्लियर है, ओके, बाय।